तो ये भी एक विशेष पॉइंट है समझाने का, क्या कि भगवान गीता का ज्ञान कृष्ण के रूप में नहीं देता है, इस रूप में देता है, शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में निराकारी स्टेज में गीता का ज्ञान देता है। ये बड़ी भारी भूल है जो गीता में देहधारी कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर निराकार का नाम होता तो क्रिश्चियन मुसलमान सिख सन्यासी सब भगवान के निराकारी स्वरूप को मानते, लेकिन आज दुनिया खंड खंड में बट गई, क्योंकि जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता माता का पति कृष्ण बच्चे को बनाई दिया। जो कृष्ण बच्चा नारायण बनता है, नरको नारायण बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, परंतु नारायण को ही परमात्मा मान लिया जाए, भगवान मान लिया जाए, ये तो झूठी बात हो जाती है। गीता में ये भी मानते हैं कि जो ज्ञान दिया गया है नर अर्जुन को, वो ज्ञान दिया ही गया है नारायण बनने का, ज्ञान दिया गया है, देने वाला परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा अलग और नर से नारायण बनने वाला अलग। जो नर से नारायण बनता है वो ऊंचा और नीचा बनता है, नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य इस दुनिया में होते हैं नरक की दुनिया में, इसलिए इस दुनिया का नाम ही है नरक।